तो नमस्कार, स्वागत है आपका YouTube चैनल एबी डिजिटल इन्फो में। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि जो आपका सेल्फ असेसमेंट टैक्स होता है उसको पेमेंट करने के बाद आपको ITR फॉर्म कैसे सबमिट करना है, इसके बाद उसको ई वेरीफाई कैसे करना है, तो कंप्लीट वीडियो को देखिएगा। यहाँ पर मैं ITR फॉर्म 2 भर रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि हमारा यहाँ पर म्यूचुअल फंड वगैरह में इन्वेस्टमेंट था तो उसको हमने रिडीम किया था, वहाँ से हमें प्रॉफिट हुआ था, तो इसकी वजह से हमने ITR फॉर्म 2 भरा था। साथ में क्रिप्टो करेंसी की भी अर्निंग थी, ठीक है, तो इस वजह से हमने ITR फॉर्म 2 भरा था। अगर आप इसको भरना चाहते हैं शुरुआत से तो मैंने इसका कंप्लीट वीडियो बनाया हुआ है, उसको आप देख लीजिएगा। अगर आपका टैक्स पेंडिंग बता रहा है कि मतलब अभी टैक्स आपको और जमा करना पड़ेगा, तो फिर उस केस में आपको कैसे टैक्स जमा करना है उसका भी कंप्लीट वीडियो बना चुका हूँ, आप उन वीडियो को देख सकते हैं। उन दोनों वीडियो के लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर अब हम अपने ITR फॉर्म को सबमिट करने जा रहे हैं, पेमेंट करने के बाद का प्रोसेस मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, हम अपना जो ITR फॉर्म भरा था उसको ओपन कर लेते हैं, पहले उसको वैलिडेट करेंगे। ये देखिए, हमारे सारे शेड्यूल आ चुके हैं जो हमने भरे थे, ठीक है, और यहाँ पर प्रोसीड टू वैलिडेशन लिखा होगा तो यहाँ पर क्लिक करेंगे। उससे पहले मैं आपको यहाँ पर टैक्स दिखा देता हूँ, क्या हमारा कोई टैक्स पेंडिंग वगैरह तो नहीं है, ठीक है, क्योंकि टैक्स आ रहा था तो हमने उसको पेमेंट कर दिया था। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे इस हेड में, तो यहाँ पर देखिए हमारा कोई भी टैक्स पेंडिंग नहीं है। यहाँ पर देखिए बता रहा है टैक्स पेड फुल, जितना टैक्स बन रहा है उतना ही टैक्स पेड भी है। देखिए अमाउंट पेबल में यहाँ पर जीरो दिखा रहा है, अगर आपका अमाउंट पेबल में कुछ अमाउंट आ रहा है लिख करके, तो पहले आपको वो टैक्स पे करना पड़ेगा, उसके बाद ही यहाँ पर आप हाल ITR सबमिट कर पाएंगे। रिफंड भी हमारा नहीं बन रहा है, टैक्स भी हमारा नहीं बन रहा है। तो यहाँ पर देखिए हमारा कोई टैक्स नहीं बन रहा है, तो यहाँ पर हम प्रीव्यू रिटर्न करेंगे, ठीक है, हम अपने रिटर्न को चेक करेंगे, यहाँ पर चेक बॉक्स पे क्लिक कर देंगे, इसके बाद यहाँ पर प्रोसीड टू प्रीव्यू पे क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पर देखिए आपका पूरा ITR फॉर्म आ जाएगा, इसका आप चाहें तो एक एक शेड्यूल जो आप अपना चेक कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद नीचे आना, यहाँ पर होगा प्रोसीड टू वैलिडेशन, यहाँ पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर देखिए आपका वैलिडेट हो रहा है, यहाँ पर देखिए कोई भी एरर फाउंड नहीं हुआ है, वैलिडेशन सक्सेसफुल। अगर यहाँ पर आपका एरर आता है तो पहले उन एरर को आपको जो है सही करना पड़ेगा, उसके बाद ही आप यहाँ पर फॉर्म को सबमिट कर पाएंगे। तो यहाँ पर देखिए लिखा है प्रोसीड टू वेरीफिकेशन, तो यहाँ पर हम क्लिक करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बता रहा है कंप्लीट योर वेरिफिकेशन, तो यहाँ पर वेरीफाई करने के तीन तरीके हैं, ई वेरीफाई नाउ, ई वेरीफाई लेटर और वेरीफाई वाया ITR 5। तो ई वेरीफाई नाउ ऑप्शन आपको तब मिलता है जब यहाँ पर आपके पास आधार वगैरह रजिस्टर्ड होगा और आधार में आपके मोबाइल नंबर लगा होगा, तो आपको आधार कार्ड में आपके जो आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर होगा उस पर एक OTP जाएगा, या फिर आपका जो वैलिडेट बैंक अकाउंट है या फिर आपका डीमैट अकाउंट है प्री वैलिडेटेड, तो वहाँ से भी कर सकते हैं। आधार कार्ड से भी आप OTP वेरीफाई कर सकते हैं, लेकिन मोबाइल नंबर आपका लगा होना चाहिए। अगर आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर नहीं आया आधार में, तो फिर आप यहाँ से कर सकते हैं, 30 दिन के अंदर दोबारा से आप इसको वेरीफाई कर सकते हैं, मौका मिलेगा आपको, अभी आप सबमिट कर सकते हैं केवल, ठीक है। और अगर आपके पास ऑनलाइन वेरीफाई करने कोई फैसिलिटी नहीं है, तो यहाँ पर आप इस ऑप्शन के थ्रू जा सकते हैं ITR 5 के ऑप्शन से, ठीक है। और यहाँ पर क्या होगा, आपको एक चालान फॉर्म आएगा, ITR 5 जिसको बोलते हैं, उस फॉर्म को डाउनलोड करना होगा। डाउनलोड करने के बाद बाई पोस्ट उसको जो है इनकम टैक्स ऑफिस आपको सेंड करना पड़ेगा डाक के माध्यम से, तो ये भी ऑप्शन आपके पास रहता है। और इसके लिए अब 30 दिन का समय मिलता है, पहले यहाँ पर 120 दिन का समय मिलता था, लेकिन अब 30 दिन कर दिया गया है। तो इसको हम तुरंत वेरीफाई करेंगे आधार कार्ड के थ्रू, तो हम इस पर ई वेरीफाई नाउ पर क्लिक करेंगे, कंटिन्यू क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर देखिए इस तरीके से आ रहा है, हाउ डू यू वांट टू वेरीफाई, कैसे आप वेरीफाई करना चाहते हैं। तो यहाँ पर पहला ही ऑप्शन है, आई वुड लाइक टू वेरीफाई यूजिंग OTP ऑन मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड विद आधार, ठीक है। तो यहाँ से कर सकते हैं आप, DSC के थ्रू भी कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस हो जाएगा ये। इसके अलावा यहाँ पर EBC के थ्रू भी कर सकते हैं, नेट बैंकिंग, बैंक अकाउंट, डीमैट अकाउंट, कई सारे ऑप्शन यहाँ पर रहेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आपको पहले ऑप्शन पर जाना है, आई वुड लाइक टू वेरीफाई यूजिंग OTP ऑन मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड विद आधार, यहाँ पे क्लिक करेंगे, कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर टिक मार्क करेंगे, जनरेट आधार OTP क्लिक करेंगे।
अब यहाँ पर देखिए आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर जो आपका आधार से रजिस्टर्ड होगा उस पर एक ओटीपी जाएगा और यहाँ ओटीपी को आपको डालना होगा। तो ओटीपी हमारे पास आ चुका है 975550, 975550। वैलिडेट पे क्लिक कर लेते हैं तो यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है कन्फर्मेशन ऑफ सबमिशन ऑफ रिटर्न। प्लीज नोट दैट वंस यू सबमिट द रिटर्न यू कैन नो लॉन्गर मॉडिफाई द डिटेल्स। अगर आपने यहाँ पर सबमिट कर दिया तो फिर आप अपने इनकम टैक्स फॉर्म को मॉडिफाई नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम कह रहे हैं ठीक है, सबमिट पे क्लिक कर देंगे। जैसे सबमिट पे क्लिक कर देंगे अब हमारा देखिए ITR सबमिट हो चुका है और वेरीफाई भी हो चुका है, यहाँ पर लिख करके आ चुका है आपने सक्सेसफुली ITR फाइल कर दिया है और आपका जो है वेरीफाइड भी हो चुका है और इसकी सूचना आपको मोबाइल नंबर पर ईमेल आईडी के माध्यम से दे दी गई है। तो गो टू डैशबोर्ड जाएंगे तो यहाँ पर देखो हमारा ITR फाइनली वेरीफाई हो चुका है, सबमिट हो चुका है, ठीक है। तो यहाँ पर डेट भी दे सकते हैं 14 जुलाई दोनों हुआ है। अब जो एक्सेसिंग ऑफिसर होंगे वो इसको चेक करेंगे उसके बाद कंप्लीट कर देंगे। तो ये है, बाकी अगर आप ITR फॉर्म डाउनलोड करना चाहते हैं तो इसको आप यहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हैं, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।